आजमगढ़ मोहम्मदपुर से फरिया मार्ग पर NHAI के बैरियर लगाने से क्षुब्ध लोगों ने ADM को सौंपा ज्ञापन। बैरियर को अविलंब हटाने की मांग की। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर से निजामाबाद थाना के फरिया के बीच मोहम्मदपुर मोड़ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा बैरियर लगाने से परेशान ट्रांसपोर्टर हुआ। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अविलंब बैरियर हटाने की मांग की लेकर ज्ञापन सौंपा। ADM वित्तीयम राजस्व को बुधवार को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या को रखा। लोगों ने कहा यह PWD की रोड है, लेकिन NHAI अपने टोल टैक्स की वसूली के चक्कर में इस रोड को बंद कर रही है। जबरदस्ती लोगों को टोल प्लाजा से होकर जाने के लिए मजबूर कर रही है। जिनको मोहम्मदपुर से फरिया जाना होता है उनको अब टोल प्लाजा देकर 15 किलोमीटर अतिरिक्त घूमकर तब फरिया जाना पड़ता है, जबकि उस रास्ते पर तमाम स्कूल हॉस्पिटल व कॉलेज हैं। स्थानीय लोगों का प्रतिदिन कई कारणों से उधर आना जाना लगा रहता है। जिनको जौनपुर से मंदिर सरायमीर निजामाबाद फरिया जाना होगा उनको पूरा 15 किलोमीटर घूम के टोल टैक्स एक्स्ट्रा देकर जाना होगा। 23 तारीख को मौके पर विरोध में करीब 500 लोगों की भीड़ जुटी थी और PWD के अधिकारी भी पहुंचकर बैरियर हटाने का प्रयास किए थे, लेकिन गंभीरपुर थाने की पुलिस बैरियर हटाने से मना कर दी और इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के पत्र को लाने का निर्देश दिया। इसी के संदर्भ में बुधवार को लोगों ने ADM को पत्र सौंपा। सुनते हैं पीड़ित लोगों ने क्या कहा। न्यूज9 भारत के लिए अमित खरवाल की रिपोर्ट। हम लोग जो है कि जो फरिया मोहम्मदपुर सैनिक ढाबा से जो फरिया रोड गया है निकला हुआ जो राजमार्ग है उसको NHAI द्वारा रोड को बंद कर दिया गया अवैध तरीके से, जो कि PWD द्वारा एक आदेश भी हुआ है। ये 23 तारीख तक हटाने की आदेश हुआ है, लेकिन इस आदेश को गंभीरपुर थाना अध्यक्ष द्वारा नहीं माना जा रहा है। 23 तारीख को वहाँ करीब 400-500 की संख्या में लोकल के लोग उपस्थित हुए थे, तो उसको हटवाने के लिए यहाँ PWD के अधिकारी लोग भी गए थे, लेकिन यशो महोदय सुशो महोदय हटाने नहीं दिए। वो कह रहे हैं किसी DM साहब का हमें कोई आदेश दीजिए तब हटने देंगे। हटने के लिए आदेश चाहिए, लेकिन लगाने के लिए किसी का आदेश नहीं है। NHAI के द्वारा एक पत्र इन्होंने दिया है DM साहब के यहाँ, लेकिन उसमें कोई आदेश नहीं किसी का हुआ है। बिना आदेश के लगा दिए, आदेश भी लेकर आए उसके बाद। बिना आदेश के ही वो लोग जा करके लगा दिए और हटवाने के लिए आदेश, और दूसरी बात हटाने के लिए अब हम लोगों से आदेश मांगा जा रहा है। ठीक है, तो लगा रहे हमें नहीं कोई बात थी, लेकिन फिर भी अगर हम आ रहे जौनपुर से आ रहे हैं, हम राजमार्ग से आ रहे हैं, 50 मीटर चढ़ने के लिए हम NHAI को क्यों टोल दें? हमें जाना फरिया जाना, सरायमीर जाना, मंदिर जाना है, हम क्यों दें 50 मीटर के लिए? जब हम NHAI पे आए तब टोल दें। NHAI का मामला है, दोनों को हम लोग बुलाए हैं, मीटिंग लेंगे, और NHAI का पत्र मेरे पास आया था, लेकिन हम लोग उसको स्वीकृति नहीं थी कि लगाया जाए। ये अपने मनमानी ढंग से वो लोग लगाए हैं, इसको हटाया जाएगा, जल्द से जल्द इसको हटवा दिया जाएगा। आश्वासन ADM साहब ने दिए हैं। विकास चौबे मेरा नाम है। देखिए, समस्या हम मोटर मालिक हैं। समस्या ये है कि उस रूट पे मंदुर से हरिया तक रूट पे कई विद्यालय हैं, कई पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, कई पेट्रोल पंप हैं, कई बॉडी मेकर हैं, जिनकी स्रोत उसी से चलता है। सब लोग डिस्टर्ब हैं, छोटे छोटे परिवार का डिस्टर्बेंस और स्थिति यही है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए अब ये थोड़ी कि शहर से घूम कर तब विद्यालय जाएंगे, तो उनके लिए लिंक रोड था, वहीं से थोड़ी दूर पे ही वहाँ से आते जाते थे। यहाँ देखिए, हम लोग मामला PWD को दिए थे, तो वहाँ से आदेश आया है उसे 23 तारीख के अंदर हटाने का। तो 24 तारीख के डेट को PWD के अफसर वहाँ आए थे, वहाँ ने मौके पर जांच किया तो गंभीरपुर थाना के इंस्पेक्टर वहाँ आके रोक दिए। उन्होंने कहा कि आप हमको PWD का आदेश हम मांगेंगे नहीं, आप हमको DM साहब या कमराम साहब का आदेश लाके। तो आज क्या आश्वासन मिला आपको? आज हमने ADM साहब से मुलाकात किया है। ADM साहब ने कहा है कि हम NHAI वालों और PWD वालों को बुलाकर दोनों लोगों से समझेंगे क्या मामला है, जिसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।